अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग्स जो कि एनिमल ओरिजिन से ऑब्टेन होती हैं। तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ये एक मेल डियर से ली जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ को कन्फ्यूज़ करते हैं कि मस्क जो है वो मेल डियर से ली जाती है एंड जो है दूसरी ड्रग सीविट वो मेल और फीमेल जो है वो एक कैट से ली जाती है। तो मस्क जो है वो एक डियर होती है। इसका बोटैनिकल इसका जुआलॉजिकल ओरिजिन जो है वो मस्कस मोस्कीफेरस होता है। मस्कस मोस्कीफेरस सिविडाई इसकी फैमिली है, सिविडी इसकी फैमिली है। और ये एनिमल जो है वो हिमालय चाइना और रशिया की माउंटेन रीजन में पाया जाता है। मस्क डियर जो है ये 50 सेंटीमीटर की जब हाइट में पहुंचती है तो इसके जो ओवी इसके अंदर एक ओवल हेयरली प्रोजेक्टिंग सैक होता है जो कि सिर्फ मेल में पाया जाता है। और वहाँ से जिसको हम POD भी कहते हैं, इसका जब वेट 30 ग्राम तक पहुंचता है तो इसमें तकरीबन हाफ ऑफ इस वेट की मस्क प्रेजेंट होती है। तो मस्क जो है बेसिकली परफ्यूम के लिए यूज़ होती है। तो एनिमल को किल किया जाता है, ग्लैंड को कम्प्लीटली रिमूव किया करते हैं, ड्राई करते हैं और आयदर इन दिसान या बाय इमर्शन इन हॉट ऑयल में। फिर जो इट अपेयर्स इन कमर्शियल प्रिपरेशन में रेडी हो जाता है। तो इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक मस्क इन पॉड्स और दूसरी मस्क इन ग्रेन्स। तो जो मस्क इन पॉड होती है उसके अंदर कंप्लीट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मस्क इन ग्रेन्स होती है उसके अंदर जो है वो सिर्फ जो है इसके जो है एक्सट्रैक्टेड चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें तो ये विस्कस मैस कॉस पाउडर डार्क ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश रेड कलर का होता है और इसके स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक्स अडोर हैं और बिटर टेस्ट का है। ये बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जब हम देखते हैं तो डिस्टिलेशन पे ये 1.5 से डार्क ब्राउन वोलेटाइल आयल प्रोड्यूस करता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है मस्क की अडोर का, उसे मस्क कोन कहते हैं। और इस ये बेसिकली एक साइक्लिक कीटोन स्ट्रक्चर होता है जो क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स की होती है। इसके अलावा इसमें नार्मस्कोन, स्टीराइड्स, पैराफिन, ट्राइग्लिसराइड्स, वैक्सीज, म्यूकोप्रोटीन, अदर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस जिसमें फैट, वैक्स, अल्ब्यूमिनोनॉइड्स, अमोनिया, कोलेस्ट्रिन एंड रेजिन प्रेजेंट है। मेन इसके अंदर मस्कोन प्रेजेंट होता है। अब इस मस्क की भी काफ़ी वराइटीज़ हैं। एक चाइनीज़ वैरायटी होती है जो बहुत वैल्यूड है और चाइना इसको इंपोर्ट भी करता है। दूसरी असम है जो कि स्लाइटली लेसर है इन वैल्यू। तीसरी रशियन है। तो ये तीनों वैरायटीज़ हैं, ये यहीं पे पाई जाती है। इसके अलावा जो इसके यूसेस हैं वो ये हैं कि ये पावरफुल स्टिमुलेंट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टेरिया, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये अपनी अडोर बहुत स्ट्रॉन्ग अडोर होती है इसकी और ये अपनी अडोर रिटेन करती है अगर इसको हम डाइल्यूट कर दें अप टू 3000 टाइम्स। और इसका काम जो है वो परफ्यूम इंडस्ट्री में एज ए बेस के तौर पे है। फूड में ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है। और आजकल जो है चूँकि एनिमल जो है वो कम हो रहा है और इसको किलिंग भी चाहिए, किलिंग करना होता है, तो इसलिए आर्टिफिशियल मस्क कंपाउंड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिस जो है फ्रेग्रेंस जो है उनकी मिलती जुलती है। उनको हम वाइट मस्क भी कहते हैं। इनको हम तीन कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, एरोमेटिक नाइट्रो मस्क है, पॉलीसाइक्लिक हैं और मैक्रोसाइक्लिक मस्क कंपाउंड्स हैं। ये थी आज का मस्क। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सीविट। सीविट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो ड्रग है एनिमल ओरिजिन से लेते हैं और ये भी परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ये बेसिकली इंडियन लार्ज इंडियन कैट होती है सीविट, जिसके मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन से हम सीविट को ऑब्टेन करते हैं। और इट इज़ अडोरस सेक्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम हाईली स्पेशलाइज्ड स्कैंट ग्लैंड्स इन द रीजन ऑफ एक्सटर्नल जेनरेटिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल सीविट कैट। इसका जो है जूलॉजिकल ओरिजिन वो वाइवेरा ज़ैबिथा होता है। वाइवेरिडाई इसकी फैमिली होती है। ये साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मडगास्कर, साउथ यूरोप में पाई जाती है। ये ओमनीवोरस मतलब होती है, ओमनीवोरस होती है। और ये जो है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हैं कि सेमी लिक्विड है, पेल येलो इन कलर होता है ये जो कंपाउंड होता है जिसे सीविटोल या सीविट जिसे ऑब्टेन करते हैं।
तो जो सीवीट या सीवी टो जो सीवी टोन और सीवी टोल होता है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये सेमी लिक्विड होता है, पेल येलो कलर का होता है, इसकी वो अडोर होती है। और जब इसको अपटेन करते हैं तब इसकी अडोर जो है वो इतनी प्लेजेंट नहीं होती, लेकिन जब इसको डाइल्यूट करते हैं तब वो बहुत प्लेजेंट होती है। बिटर टेस्ट होता है, पार्शली सॉलेबल हॉट अल्कोहल में बट इनसॉलेबल इन वाटर में। इसके अंदर सीवीटोन, सीवीटोल, इंडोल, इथाइलमीन, प्रोपाइलामीन एंड फ्यू अनआइडेंटिफाइड फ्री एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो सीवीटोल है, और सीवीटोल जो है वो ओडोरलेस होता है, और ये इसकी क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन होके तो ये सीवीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एज ए फ्लेविंग एजेंट कॉस्मेटिक्स में, फूड में यूज़ होता है, और बेस के तौर पर परफ्यूम्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम करते हैं एम्बरग्रीस। एम्बरग्रीस जो है ये एक हमें जो है वो फिश से ऑब्टेन होती है। तो इसका हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये ग्रे कलर की होती है, इसलिए इसे ग्रे एम्बर भी कहते हैं, एम्बरग्रीस भी कहते हैं। और एम्बरग्रीस जो है ये इसका जो जुआलॉजिकल ओरिजिन है वो फिसिटर कैटाडोन होता है, कैटोडोन और फिसिटेरिडी इसकी फैमिली है। ये भी जो है वो सी शोर या ट्रॉपिकल सीज में फ्लोटिंग एरियाज में प्रेजेंट होती है, फ्लोट कर रही होती है। इस ये पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट है। ये जो जो हम कॉन्स्टिट्यूट ऑब्टेन करते हैं, ये बनता कैसे है कि जो जो स्पर्म वेल है, वेल के जो स्पर्म है उसके जीआईटी में ये बनता है। और बनता कैसे है कि हमें पता है कि जो वेल होती है वो फीड करती है किसके ऊपर, कटल फिश पे, छोटी मछलियों पे। तो उनकी जो फिश की जो इनडाइजेस्टिबल बीक्स होती हैं वो इसकी जो स्टमक है वेल की उसके अंदर जाके वो उसको इरिटेट करती हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुई होती, जिससे ये जो है वो एक ग्लैंड को प्रोड्यूस करनी शुरू कर देती हैं, जिसका जिसको हम कहते हैं एम्बरग्रीस। समटाइम ये मैस इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसका वेट जो है 1 kg से 10 kg तक होता है। तो ये उसकी बीक्स की वजह से इसके अंदर ग्लैंड बनना शुरू हो जाता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये एक ब्लैक वैक्सी मैस मैस लाइक होता है, जिसकी एग्रीएबल करेक्टरिस्टिक्स प्रिसिस्टेंट प्रिजिस्टेंट अडोर होती है। और ये फ्लेमेबल है और कम्प्लीटली वोलाटाइल है। जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इसके वाइट वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। वाटर में इंसॉलेबल है, और इसी तरह अल्कली हाइड्रोक्साइड में भी इंसॉलेबल है, लेकिन हॉट अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, फैट्स एंड वोलाटाइल ऑयल में सॉलेबल है। इसके अंदर जो है एम्बरीन जो है जो कि वाइट कलर की होती है और क्रिस्टलाइन होती है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ट्राइटरपीन अल्कोहल प्रेजेंट है। ये जो है वो परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसका काम क्या है कि ये यूज़ होती है फॉर द फिक्सेशन ऑफ डेलिकेट फ्लेवर्स एज इट इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ इन टू विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। क्योंकि जिसमें इसको ऐड किया जाता है ये उसकी जो लाइफ है, हाफ शेल्फ लाइफ है, उसको इंक्रीज़ कर देती है। इसके अलावा ये लोशंस में ऐड करते हैं, ये फ्लेवर के तौर पर ऐड होती है टबैकोस में। डोज इसकी जो है वो 100 mg से 800 mg जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिप्नोसिस में, मतलब ये फिनोबार्बिट्यूरेट्स जो है उनकी जो है वो उसकी पोटेंशिएट करती है और हिप्नोसिस प्रोड्यूस करती है, एनाजल्सिया प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा ये एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। जब इसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो ये पेन और इचिंग को ख़त्म करती है। इसके अलावा ये पिम्पल्स, स्कैबीज और अदर इन्फेक्शंस डिजीज़ में यूज़ होती है। नेक्स्ट है ड्रग कैंथराइड्स। कैंथराइड्स जो है ये बहुत ही ब्रिटल ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कैंथेरिस वेजिकेटोरिया। और मेलोडियाई इसकी फैमिली है। ये इंसेक्ट होल इंसेक्ट यूज़ होता है, ड्राइड इंसेक्ट। ये जो इंसेक्ट है ये यूजली जो कैप्रीफोलिएसी और ओलिएसी फैमिली के प्लांट्स हैं वहाँ पे, जैसे ओलिव का है तो वहाँ पे ये उस प्लांट्स के ऊपर ये इंसेक्ट पाया जाता है। इस इंसेक्ट की जो शेप होती है ओब्लोंग होती है, जो कलर होता है वो ब्रिलियंट ग्रीन होता है, अडोर इसकी बहुत स्ट्रांग होती है और टेस्ट जो है वो पंजेंट होता है। कैंथेरिटिन को हम, ये जो इंसेक्ट है इसको हम कलेक्ट करते हैं जून और जुलाई के महीने में, और इसको एक्सपोज मतलब इसको किल करते हैं बाय द फ्यूम्स ऑफ अमोनिया और क्लोरोफॉर्म से, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड से, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड से। उसके बाद इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई करते हैं टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। फिर इसको हम पैक करते हैं एयर टाइट कंटेनर में,
एंड जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का फ्यू ड्रॉप्स हम इसमें ऐड कर देते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कंथैलिडीन होती है, और कंथैलिडीन जो है वो एक पस्टुलेंट है, वेजिकेंट है, रूबीफिशेंट है, इनके जो जहाँ पे जो वार्ड्स और इस तरह से आउटग्रोथ प्रोजेक्शंस उनको ख़त्म करने के लिए ये यूज़ होती है। इसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शंस हैं उनको यूज़ करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए यूज़ होती है। इसमें यूरिक एसिड भी होता है, फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड, इसके अलावा फैट होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कॉड लिवर ऑयल। तो कॉड लिवर ऑयल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसकी बहुत कमर्शियल जो है प्रेपरेशंस भी आती हैं। कॉड लिवर ऑयल जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेडिसन्स में, और जो है इसके जो है बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। और ये कहाँ से प्रयोग होता है, जेडियस मोरा से, गडेई इसकी फैमिली है। कुछ लोग इसे जेडस मोरा कहते हैं, जेडियाई इसकी फैमिली है। और ये भी जो है वो फ्रेश जो है वो फिश के जो फ्रेश लीवर है वहाँ से ऑब्टेन होता है, और ये फिक्स्ड ऑयल है। इसकी जो मतलब ये जो फिश है ये डिफरेंट जो है वो इसमें पाई जाती है, डिफरेंट जगह पे पाई जाती है, अटलांटिक ओशन और इस तरह। ये इसकी लिखी हुई है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये जो फिक्स्ड ऑयल है ये ऑयली लिक्विड होता है, इसकी एक स्पेसिफिक अडोल है, फिशी टेस्ट है, और अल्कोहल में सोलेबल है लेकिन इथर क्लोरोफॉर्म इथाइल एसीटेट में कम्प्लीटली सोलेबल है। कॉड लिवर ऑयल के अंदर जो है वो 50% ऑयल होता है जब हम इसे फिश से रिमूव करते हैं, और कॉड ऑयल जो है वो लो टेम्परेचर पे जो है वो सेपरेट किया जाता है और इसको स्टोर करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप हैं कि पहले हम इसको रिफाइन करते हैं, उसके बाद इसकी ड्राइंग करते हैं, फिर विंटलाइजेशन करते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर डीकोलराइजेशन करते हैं, फिर स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। इसके अंदर कॉन्शन जो है वो विटामिन ई और विटामिन डी होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो है वो एस्टर्स बने होते हैं फैटी एसिड के, जिसमें जो है वो ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, पालमिटोलिक एसिड है, मेस्टिक है, पालमिटिक है, ये सारे। एंड ये यूज़ होती है फॉर रिकट्स के प्रिवेंशन के लिए, क्योर के लिए। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा यूसेस हैं, ये फ्लैश बिल्डर के तौर पे यूज़ होती है, ग्रोथ प्रमोटर है, ये कैल्शियम की फॉर्मेशन करती है, बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करती है, तो ये इसके काफ़ी यूसेस हैं। इंशाल्लाह आप एक और लेक्चर में, कॉड लिवर ऑयल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको कर लें, मस्ट सीविट जो है एम्बरग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी ड्रग्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इसी को कर लें, एनिमल ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन को, स्पेशली मस्क और सीविट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।